नमस्ते जी, कैसे हो सब? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ राजपूत जॉन से। एयरपोर्ट रोड मोहाली सेक्टर 125 में आपके लिए स्पेनिश विला लेकर आया हूँ 4 BHK। रेडी टू मूव में 1 मंथ पोजेशन मिल जाएगी आपको। फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, ये हमारी वेस्ट फेसिंग है, इधर हमारी ईस्ट फेसिंग है, दोनों फेसिंग में आपको 1 मंथ पोजेशन मिल जाएगी। गेटर टाउनशिप है जी हमारी, गेट नंबर 1 है ये हमारा, इसी से इन आउट रहेगा। आगे 36 शॉप्स हैं जो सारी सेल आउट हैं, मार्केट बनी हुई है प्रॉपर बाहर। और बिल्कुल जो हमारा ये मेन एंट्रेंस, अगर हम लेफ्ट कर जाएंगे तो 800 मीटर पे हमारा एयरपोर्ट रोड है, अगर हम राइट कर जाते हैं तो ओल्ड जो हमारा सनी इनक्लेव है सेक्टर 125 और 124 वो हमारा इधर से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये प्रॉपर हमारा न्यू सनी इनक्लेव सेक्टर 125 में प्रोजेक्ट है। गेटेड टाउनशिप है हमारी, बहुत सुंदर सी छोटी सी सोसाइटी है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। आपको मैं फ्रंट एलिवेशन तो आपने देख ही लिया है, अब मेन एंट्रेंस की तरफ हमारा जो कैमरा मैंने किया हुआ है, अभी मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दोबारा अंदर से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर का रूफ राइट हर चीज़ दिखाऊंगा। पहले मैं एक बार बाहर कंप्लीट कर दूं, आपने वीडियो के लास्ट तक जाना। बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा विला बना हुआ है, हर चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप देख रहे होंगे ये रेन वाटर स्टोन वाटर है, सारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ बाहर अटैच रहेगा। अंडरग्राउंड वायरिंग है, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह नहीं लगा हुआ, सारी टोटल वायरिंग अंडरग्राउंड रहेगी। ना वेस्ट फेसिंग में लगा हुआ है, ना हमारा ईस्ट फेसिंग के बिल्कुल सामने। जो थोड़ी बहुत वायर की क्रॉसिंग है ये हमारी यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदर की तरफ, जो हमने पोजेशन दे रहे हैं कस्टमर को, काम चल रहा है उस वजह से रहेगा। ये हमारी ईस्ट फेसिंग है। रेडी टू मूव में ये 26 विलाज आ जाते हैं, लास्ट में एल शेप में पार्क आ जाता है, फिर हमारी 8 फिट की बाउंड्री आ जाती है। ये हमारी 5 एकड़ में गेटर टाउनशिप है, गेट नंबर 1 है हमारा विलास का, 2-3 फ्लैट्स का है, आगे 36 शॉप्स हैं, टोटल 5 एकड़ है। ये हमारा रेडी टू मूव में है सैंपल, जैसा सैंपल अंदर बाहर से है एज इट इज ही हम सारे विलास आपको एज इट इज ही रेडी करके देंगे। ये 22.5x45 रहेगा इसका साइज़, 115 का सुपर एरिया, 110 गज कवर्ड एरिया रहेगा इसका। और इसमें बना जितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 बेडरूम है, 4 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 मॉलर किचन है, टॉप फ्लोर पे मॉन्टी है, इसे आप स्टोरेज कर सकते हैं। एक बार विला के अंदर चलते हैं। यहाँ पे स्पेस अच्छी है, अल्टो कार और स्विफ्ट गाड़ी आपकी आराम से यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। ये हमारी ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन है, विंडो है, ग्राउंड एंड फर्स्ट की सेम ही रहेगी फ्रंट पे। यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग है जो स्पेशियस, आपकी 2-3 2 व्हीलर यहाँ पे आराम से खड़े हो जाएंगे आपके। ये हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है, मॉलर किचन है ग्राउंड एंड फर्स्ट की, यहीं पे स्टेयर के बाहर विंडो रहेगी वेंटिलेशन। ये हमारा जो स्टेयर का एरिया है, मैं एक बार आपको सैंपल ग्राउंड विजिट करा दूँ, फिर फर्स्ट फ्लोर का सैंपल और स्टेयर का एरिया अच्छे से दिखाऊँगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है 10,000 लीटर का, 1-1,000 लीटर का टैंक हमने मोंटी के टॉप पे रखा हुआ है जी। गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक आ जाएगा जी आपका। वॉल्स पे आपको एज इट इज वर्क मिल जाएगा, सीलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी विद प्रोफाइल लाइट। जो हमारे डोर हैं ये सारे फ्लश डोर रहेंगे, सबके ऊपर टीक का वर्क है, सबके ऊपर पॉलिश वर्क रहेगा प्रॉपरली। और मेरी तरफ से गुड विशेस रहेंगी जी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से विजिट करो। 5-10 प्रॉपर्टी जो आपकी कैपेसिटी है, जितना आप घूम सकते हो, कौन सी लोकेशन आपको सूटेबल है, एयरपोर्ट रोड आपको सूटेबल है मोहाली का, बजट कम है, आप खरड़ जाना चाहते हो, कहीं भी जा रहे हो आप, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना घूमना है आपने, जब आप 2-4-5-10 चीज़ें देख लोगे, गुड ऑप्शन निकल के आपके खुद ही सामने आ जाएगी, वो आप चूज़ कर। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, रिलेटिव, दोस्त मित्र, जो भी आपके आसपास आपके दोस्त वगैरह, कोई भी आपका नोन है, किसी को साथ में मत लो, फैमिली के साथ अच्छे से विजिट करो। अच्छी चीज़ भी आप बाय नहीं कर पाते, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता ये प्रॉपर्टी आके देखो, यहाँ पे लो, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी खुद ही मिल जाएगी। और आप हमारे पास लो, कहीं पे भी लो, मेरे को उतनी ही खुशी होगी, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आप हमारे पास ही आओ। ये विला मैं जो दिखाना जा रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, यही लो आप आकर, ये बात नहीं है।
आपने सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई अपनी जमा पूंजी लगानी है। हमारे को पता है कैसे कमाया जाता है, कैसे किसी जॉब में एंटर करके उस काबिल बना जाता है कि हम वहाँ तक उस पैकेज तक पहुँचते हैं, कुछ चीज़ बाय कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें, मैं भी जॉब करता हूँ कंपनी में, तो मेरे को पता है ये सब चीज़ों का। बात यही है कि आप अच्छे से सर्च करोगे, बेस्ट गुड ऑप्शन खुद निकल के सामने आएगी। और फैमिली के साथ अच्छे से सर्च करो, घूमो, एक बार चीज़ देखो, 10 चीज़ें देखी होंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। गुड विशेज रहेंगी, आप कहीं पे भी लोगे मेरे को उतनी ही खुशी होगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्रोफाइल लाइट है, बीच में जितनी लाइट्स की क्वांटिटी एज इट इज़ मिल जाएगी। जो ये वॉल पे वर्क है ना, ये सारा लकड़ी का वर्क है, वुडन का वर्क है। इसकी फिनिशिंग इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे हमने रॉयल का एशियन पेंट यूज़ किया हुआ है अंदर की सारी वॉल्स पे। स्प्लिट एस की प्रोविजन है, यहीं पे पॉइंट्स मिल जाएगा आपको। और इसका आउटर हमने टॉप फ्लोर के रूफ पे निकाला हुआ है, इसका जो रेन है वो बाहर निकाला हुआ है, मतलब जो बाहर की बालकनी यहाँ पे। और मतलब जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर का ये साइज रहेगा ड्राइंग रूम का, एज इट इज फर्स्ट फ्लोर है, ये 2.5x5 की फ्लोर टाइल रहेगी। ऊपर जो फ्लोर टाइल रहेगी वो 4x4 की रहेगी। मॉडुलर किचन आपको एज इट इज मिल जाएगी विदाउट चिमनी एंड चूल्हा, एज इट इज ही यहाँ पे, एज इट इज ही आपको जो ये ग्राउंड की मॉडुलर किचन में ये ग्लास वाला पैनल लगा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर में भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। मॉडुलर किचन बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छा साइज है। लाइटिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर भी सरमाइका वर्क रहेगा प्रॉपरली। वॉल्स टाइल आपको 2x4 की वॉल टाइल घुमाई हुई है पूरी। यहाँ पे हमने डबल कोड ग्रेनाइट लगाया हुआ है ब्लैक कलर में, एज इट इज ही सारे विलाज में मिल जाएगा। मॉडुलर किचन यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर है सारी टोटली। रुका की यहाँ पे टैप मिल जाएगी आपको। विंडोज के साइज बहुत अच्छे हैं जो मॉडुलर किचन की ग्राउंड एंड फर्स्ट, ये इसीलिए पॉसिबल हो पाते हैं। ऊपर हमने डोर भी दिए हैं प्रॉपरली। अब तो चलो मैं दिखा नहीं सकता, 16mm का सरिया, 6 लेंथे हैं, 12 के रिंग है डोर बीम में। जितने कॉलम हमने दिए हुए हैं वो मैं आपको टॉप के रूफ पे दिखाऊंगा, हमने बकायदा उसके सबूत छोड़े हुए हैं। थर्ड फ्लोर अगर आपने बनानी है तो आप उसके साथ अटैच करके कॉलम ऊपर लेके जा सकते हो। यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस है, यहाँ पे अच्छी जगह है। जैसा आप देख रहे हो ये हमारा एज इट इज ही आपको मिल जाएगा। बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ है, स्पेशियस है, बहुत बढ़िया। और जितना वर्क इसमें हुआ हुआ है एज इट इज ही आपको मिल जाएगा। सीलिंग में विद प्रोफाइल लाइट एज इट इज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बैक पैनलिंग एज इट इज मिल जाएगी जी, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो। नीचे हमने डिको किया हुआ है कबर्ड्स पे, टीक प्लाई है ये भी, ये टीक प्लाई के ऊपर हमने पॉलिश की हुई है। यहाँ पे आपको बैक पैनलिंग एज इट इज ही दे देंगे हम। यहाँ पे जो लकड़ी का वर्क है ये भी टीक प्लाई है ग्रुप वाली, इस पे हमने ग्रे डिको करके विद प्रोफाइल लाइट एज इट इज देंगे। ये मोल्डिंग देख रहे हो आप, एज इट इज मिल जाएगी आपको। यहाँ पे हमने पॉइंट दिया हुआ है इसका, स्प्लिट एसी का डम्मी है। चारों बेडरूम्स में इसी जगह पॉइंट आएंगे। सस्ता काम नहीं किया हुआ कि इसके आउटर हमने यहाँ पे निकाल दिए, इसके आउटर हमने टॉप के रूफ पे निकाले हैं। और जो वो सामने देख रहे हो ना आप शेंक, इसके नीचे हमने इसका रेन का पॉइंट दिया हुआ है। ये हो गया सामने का वर्क। ये हमारा कबर्ड्स चारों बेडरूम में सेम डिज़ाइन के, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले सामने वॉल पे वर्क देखो आप। ये ग्रुप वाली टीक प्लाई के ऊपर हमने डिको की है क्रीमी, यहाँ पे मोल्डिंग लगाई है प्रॉपरली, एज इट इज मिल जाएगी आपको। वॉल के ऊपर ड्रेसिंग एज इट इज मिल जाएगा विद ग्लास। यहाँ पे आपको LCD पैनल, ये सारा हमने डिको किया हुआ है, सरमाइका यूज़ नहीं किया हुआ। ये वेंटिलेशन है अपनी सारी। और एक चीज मैं बतानी चाहता था आपको, ये जो देख रहे हो आप ये लकड़ी विंडोज की, और ये चुगाठी है हमारी, ये सारी सुडान टीक है, सबके ऊपर पॉलिश वर्क है प्रॉपरली, बढ़िया। और सेम साइज रहेगा चारों वॉशरूमों की, वॉशरूमों का जो बेडरूम के साथ अटैच है। 2x4 की वॉल टाइल है, अरुका की बाथ फिटिंग रहेगी, स्पेशियस है, बढ़िया बना हुआ है। वॉल हैंगिंग सीट है हमारी, वॉल हैंगिंग शेंक रहेगा। विंडोज इसी जगह पे पॉइंट दिया हुआ है चारों वॉशरूमों में, बालकनी में इसकी जो हमने आउटर निकाला हुआ, मतलब ये बालकनी में ही निकल रही है, बैक बालकनी में, वहां से भी मैं आपको दिखाऊंगा। चारों बेडरूम में सेम कबर्ड्स मिल जाएंगे आपको, जैसा आप सामने देख रहे हो। ये माइका जो इसका माइका लगा हुआ है, कोई पॉलिश का काम नहीं है डिक्को का।
ये मैट माइका है, अंदर भी सरमाइका वर्क है, कहीं पे भी पेंट वर्क नहीं मिलेगा आपको। आपको तीन काम मिलेंगे हमारे विलाज में, एक मिलेगा पॉलिश का, एक मिलेगा डिको का, और एक मिलेगा सरमाइके का, वो भी कबर्ड्स एंड मॉडुलर किचन में। मतलब पेंट का वर्क नहीं, अंदर की तरफ पेंट कर दिया, वो स्मेल का इशू, वो सब चीजें नहीं है यहाँ पे। ये प्रोफाइल लाइट एज इट इज ही आपको जैसा आप देख रहे हो हमारा ये बेडरूम आपको एज इट इज ही मिल जाएगा जी। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। स्पेशियस है और अच्छा साइज है। बैक पैनलिंग एज इट इज मिल जाएगी, सीलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है, बैक पैनलिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी जैसी आप देख रहे हो जी। पॉलिश एंड डिको का कॉम्बिनेशन है। 2x4 की वॉल टाइल मिलेगी और रुक्का की बाथ फिटिंग मिल जाएगी। उधर जो टाइल थी वो थी ग्रे वाइट कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे डार्क ब्राउन एंड क्रीमी और वाइट रहेगी हमारी। और ये वेंटिलेशन है, वॉल हैंगिंग शीट है, रुक्का की बाथ फिटिंग है, ब्रांडेड पूरी प्रॉपरली। LTK स्विचेज हैं, हेवल की वायर रहेगी सारी। टोटल चारों बेडरूम्स में अलग अलग डिजाइन के LCD पैनल रहेंगे। बैक पैनलिंग मैंने जैसे बताया आपको एज इट इज मिल जाएगी। ये आपको कबर्ड्स सेम ही मिलेंगे चारों बेडरूम्स में। यहाँ पे भी हमने डिको एंड माइक का यूज किया है प्रॉपरली। वॉशिंग एरिया बैक साइड पे स्पेशियस है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, प्रिंटर वगैरह हमारे लगे हुए हैं ऊपर भी, आप देखोगे ये ऊपर रखी हुई है पौड़ी। सैंपल का थोड़ा बहुत पेंट का काम था, क्योंकि बैक साइड पे अपने 200 गज के किसी और बिल्डर के विलाज हैं, तो इन्होंने यहाँ पे पेंट नहीं कराया था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत पेंट गिरा हुआ है नीचे उसको आप माइंड में मत रखना। स्पेशियस बालकनी है, इसीलिए मैं कैमरा घुमा रहा हूँ नीचे। वेंटिलेशन दोनों बेडरूम्स की विंडोज़ की और दोनों अटैच वॉशरूम की बैक साइड की विंडोज़ की यहाँ पे बालकनी में निकलती है। यहाँ पे इशू तब आता है जब हमने पॉइंट्स यहाँ पे निकाले होते हैं स्प्लिट एसी प्रोविज़न के, फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गर्मियों में और भी ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो जाता है। पर अगर आप निकाल भी लोगे, हमने दिए भी होते तब भी कोई दिक्कत नहीं। बालकनी टू बालकनी स्पेस बहुत बढ़िया, ऊपर रोशनी आती है ही। हमारे आउटर जो हमने दिए हुए हैं बैक साइड पर रहेंगे हमारे। ठीक है जी, ये था हमारा 4BHK स्पेनिश विला का ग्राउंड फ्लोर। ऐसा नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे हमने 1.5 मंजिल बना दिया है। जैसा आप देख रहे हो एज इट इज ही मिलेगा, पर दिखाना तो है फ्रंट की बालकनी, बैक बालकनी ऊपर पे और स्टेयर का एरिया तो अभी देखोगे आप। टॉप फ्लोर का रूफ राइट तक मैंने सारी वीडियो बनानी है, आपने वीडियो के लास्ट तक जाना है। और मेरी वीडियो जो आप देख ही रहे हो, मैं खुद सामने आके ऐसे ऐसे हाथ नहीं हिलाता, क्योंकि वीडियो कम कम देखते हैं लोग, जो जो बना रहा होता है उसकी शक्ल ज़्यादा। मेरा क्या काम है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा प्रॉपरली घर बैठे 90% क्लियर करूँ, और जो मेरे को समझ आता है बंदा ऐसे ही क्लियर होएगा। तो मेरी वीडियोस को शेयर करो अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल पे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है अलग अलग जगह बना के दूसरे दिन कहीं और पे वीडियो बना रहा हूँ किसी भी बिल्डर की। जो हमारे MD सर का प्रोडक्ट है उसी पे काम कर रहे हैं, 8-10 प्रोडक्ट है, एक ही ट्रैक्टर है। तो आप आओगे उन्हीं से मिलोगे, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी वही आपको दिखाई जाएगी। यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं कि कहीं पे भी जाके शूट कर लो, क्योंकि किसी का शूट भी नहीं कर सकते जी आप। उसका रीज़न क्या है, बाद में फिर दिक्कत ऐसी आएगी कि आप हमारे पे केस करोगे, उस चीज़ में फिर हम फंस जाएंगे। ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, आपने लाखों रुपये इस पर लगाना है ना प्रॉपर्टी पे। हमने अपने खुद के डायरेक्टर को बोला हुआ है कि अच्छा काम करोगे 2-4 लाख रुपया कोई दिक्कत नहीं है, बंदा फालतू भी मांग ले वो सारी चीज़ें हो जाती हैं सेट। अगर गलत जगह शूट कर रहे हो, गलत बंदों के पास काम कर रहे हो, गलत चीज़ बेच रहे हो, तो उसका जो आप पे एक्शन आना ही आना है, साल में आ जाए, 2 में आ जाए, 4 में आ जाए। जो दलवाने वाला बंदा होता है हमारा, देखो है तो आप हमारा, कोई भी हमारे पास क्लाइंट आएगा, हो तो आप हमारे कंपनी के, हमारे MD सर के कस्टमर हो, उन्हीं के पास से चीज़ लेनी है, उनकी चीज़ बाय करनी है,
पर हमने देखा हमारा फेस भी बहुत है जो माना जाता है कि सुखविंदर यार राजपूत जी आपसे लिया था, आप हो हमारे लिए तो आपने ही करवाया है, आपको देख के आए हैं, आपकी जिम्मेवारी रहेगी वो सारी चीज़ों से। तभी हर जगह शूट किया नहीं जाता, ना हम करते हैं, जो हमारे डायरेक्टर के प्रोजेक्ट है अभी फ़िलहाल आज के टाइम में हमारे एमडी सर का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, रेडी टू मूव में है। एक चीज़ मैं और बोलनी थी आपको, देखो जी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि जी आपको हम 6th मंथ पोजेशन दे देंगे, आपको जी हम 4 मंथ पोजेशन दे देंगे, रेडी टू मूव में लेना, उसकी कंडीशन देखनी है कि 2 मंथ है, फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे, अंडर कंस्ट्रक्शन मत लेना, नहीं आपको दिक्कत आएगी, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, रेडी टू मूव में लो, ठीक है, सबसे बढ़िया वही चीज़ रहेगी आपके लिए। ये हमारा बाकी मैंने वो बात जो चल रही थी वो बीच में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, ये थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें मैंने बोली हुई हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उन चीज़ों का। कबर्ड्स मॉलर किचन एज इट इज़ ही है, जैसी ग्राउंड की है, फर्स्ट फ्लोर एज इट इज़ है, ठीक है जी, कुछ भी चेंज नहीं है, मेरे को दोबारा ये चीज़ कबर्ड्स वगैरह निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, यहाँ पे 4x4 की फ्लोर टाइल मिल जाएगी, नीचे 2.5x5.5 की थी। बेडरूम सेम साइज है ग्राउंड फ्लोर की तरह, LCD पैनल के डिजाइन अलग अलग रहेंगे। ये हमारा 4th बेडरूम है, अटैच वॉशरूम के साथ है। मैं वीडियो बंद नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बंद कर दी फिर दिक्कत आ जाएगी, लाइट चली गई है इस विला में, हमारे में इन्वर्टर है नहीं, आप प्लीज़ माइंड मत करना। वीडियो वैसे हमारी मतलब क्लोज ही होने वाली थी, फिर भी आप देखो अच्छे से, ये बैक बालकनी है अपनी, टॉप फ्लोर का रूफ पे जाना है अभी, मैंने आप कॉलम दिखाऊंगा जो हमने निकाले हुए हैं टॉप के रूफ पे। यहाँ पे अगर थोड़ी सी रोशनी होती पर है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, ये ना कॉलम दिए हुए हैं 1x9 के, वहाँ पे भी ये कॉर्नर में वहाँ पे, और ये वॉशरूम था ग्राउंड फ्लोर की तरह, ये सामने अपना 4th बेडरूम का कबर्ड, सीलिंग का वर्क है, LCD पैनल ये डिजाइन के रहेंगे। यहाँ पे जो मैं दिखानी चाहता था मेन चीज, 2 कॉलम बीच में है, 3 कॉलम इधर है और 3 कॉलम इधर रहेंगे, सारे टॉप के रूफ पे निकाले हुए। मोंटी में 4 कॉलम है, वो हमने टॉप के रूफ पे निकाले हुए, इनके अलावा वो मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ऊपर से थोड़े से दिखेंगे नहीं, वो आप देख रहे होंगे, वो ये कॉलम है निकाले हुए टॉप के रूफ पे। बाकी ये फ्रंट की बालकनी है अपनी स्पेशियस, ठीक है जी, टॉप के रूप पे ये बालकनी है अपनी, जाली के दरवाजे आपको ऊपर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट है हर जगह हमने लगाए हुए हैं। जैसे मैं दोबारा यही चीज़ बोलूँगा आपको, अच्छे से एक बार विजिट करो, 5-6 जगह 2 जगह की ज्यादा भी घूमने की जरूरत नहीं है। ये कॉलम हमने बीच में दिए हुए, इस कस्टमर ने साथ वालों ने ना बनाना नहीं था अभी, तो हमने थमले बना दिए फिर इनके, वो हम बना देते हैं। ये 2 कॉलम यहाँ पे निकाले हुए हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि टॉप का जो रूफ है उस पर हमने आउटर निकाले हुए हैं, ठीक है जी। ये हमारे आसपास का व्यू है, और 2 टैंक हमने टॉप के रूफ पे हैं रखे हुए। मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी, सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। तभी मैंने भी अपने चैनल का नाम राजपूत जॉन बेस्ट प्रॉपर्टी रखा हुआ है, वो आपके लिए है, मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी है, आओ एक बार हमारे पास विजिट करने, बढ़िया चीज़ आपने देख ही ली। विजिट करोगे तो और भी सारी चीज़ें आपको रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस बिल्डर की तरफ से, और यहाँ पे 65 लाख हो जाती है,
65 लाख फंडिंग हो जाती है इस विला पे। ये 89,90,000 इसका प्राइस है, बाकी ऑन टेबल थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा जी आपको। फंडिंग मीन्स यहाँ पे लोन मिल जाता है 65 लाख तक इस कोठी पे। वैसे अब जो बैंकर की नई रिपोर्ट आई है वो 67 लाख है, हम 65 ही मान के चलेंगे। आपका बाकी पैकेज अच्छा होना चाहिए, 1 लाख आराम से हो जाता है फिर लोन।